Hello everyone, welcome back to our channel Skillbook. स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे और आपके अपने चैनल Skillbook में. Trainees, आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में. November 2019 में DGT ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 2020 ऑनवर्ड्स अब जो भी एग्ज़ाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे. तो बच्चों, आपका ट्रेड थियोरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पर, और आपका ईडी और ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा. शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, DGT ने निमी पोर्टल पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की है. मैं आपको बताती हूँ कि निमी पोर्टल पर आप कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. तो चलिए, एक मॉक टेस्ट के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है. स्टेप वन, आपको ब्राउज़र ओपन करना है. कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी या कोई भी. स्टेप टू, ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको एक URL टाइप करना है, www.nimionlinetesting.in. आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. स्टेप थ्री, आपको इस पेज पर लॉगिन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन होगा. स्टेप फोर, आपको यहाँ पर इज दिस योर फर्स्ट टाइम पर जाकर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है. स्टेप फाइव, आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी. बच्चों, पहले आपको निमी पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. तो अकाउंट बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले यूज़र नेम क्रिएट करना है जो आपको फ्यूचर लॉगिन में भी काम आएगा, तो आपको इसको याद रखना है. फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है, देन ईमेल आईडी दोबारा री एंटर करनी है. फिर आपको अपना नेम, सरनेम, सिटी या टाउन और कंट्री का नाम एंटर करना है, और फाइनली आपको क्लिक करना है क्रिएट माय न्यू अकाउंट पर, जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. स्टेप सिक्स, अब जो आपने अकाउंट बनाया है उसको एक्टिवेट करना है. आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल आया होगा. स्टेप सेवन, आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है और वेरिफिकेशन मेल को सर्च करना है. वैसे आपके इनबॉक्स में ही वेरिफिकेशन मेल होगा, इन केस आपको नहीं मिलता है तो आपको स्पैम और जंक बॉक्स में चेक करना होगा. ये सारे जितने भी स्टेप्स हमने अभी तक परफॉर्म करे हैं, ये एक प्रैक्टिस टेस्ट को शुरू करने से पहले के स्टेप्स हैं जो आपको निमी पोर्टल पर करने पड़ेंगे. उसी के बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो. तो इस वेरिफिकेशन मेल में एक एक्टिवेशन लिंक होगा जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा. अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा. फिर डैशबोर्ड में आपको टेस्ट सेलेक्ट करना है, टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट में CTS, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम. यहाँ पर आपके पास
सारी ट्रेड्स ओपन हो जाएंगी। आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी ट्रेड में प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपके पास वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए भी प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए भी अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और एनुअल स्टूडेंट्स के लिए भी। वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि आप सेमेस्टर का देना चाहते हो या फिर एनुअल पैटर्न पे प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हो। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे फिटर ट्रेड का एग्जाम देना है, तो फिटर का फोर्थ सेमेस्टर भी आ रहा है, थर्ड भी, फर्स्ट भी, सेकेंड भी और एनुअल भी। तो मैं यहाँ पे एनुअल सेलेक्ट करूँगी। जैसे ही मैंने फिटर एनुअल पैटर्न सेलेक्ट किया, मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पर मुझे एनरोल मी पर क्लिक करना है। एनरोल मी पर क्लिक करते ही मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ गई है कि मेरा जो एग्ज़ाम का टाइम लिमिट है वो है 2 आवर्स। यहाँ पर मैं अटेम्प्ट क्विज नाउ पर क्लिक करूँगी। फिर से मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आया है जिसमें मेंशन किया गया है कि मेरी जो टाइम लिमिट है एग्ज़ाम की वो 2 आवर्स है, और जैसे ही मैं स्टार्ट अटेम्प्ट पर क्लिक करूँगी मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और मुझे एग्ज़ाम सबमिट करना है टाइम ख़त्म होने से पहले। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने पर मेरे पास मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ओपन हो गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्विज नेविगेशन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे फिनिश अटेम्प्ट और टाइम आ रहा है कि कितना टाइम अभी बचा हुआ है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है और लेफ्ट हैंड साइड में फ्लैग क्वेश्चन का ऑप्शन है। तो मैं क्वेश्चन रीड करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर सकती हूँ और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ। ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हो गया और मैं इसका आंसर भी अटेम्प्ट कर सकती हूँ और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकती हूँ। आपने नोट किया हो तो यहाँ पर मेरे पास प्रीवियस पेज का भी ऑप्शन आ रहा है। प्रीवियस पेज का मतलब है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया है, तो मैं प्रीवियस पेज पर जाकर उसको करेक्ट भी कर सकती हूँ और फिर से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर सकती हूँ। अब मान लीजिए कि 10th क्वेश्चन पर मुझे जाना है, तो मैंने 4th क्वेश्चन पर ना जाके 3rd से सीधा 10th पर भी आ गई हूँ और यहाँ पर भी उसका आंसर अटेम्प्ट कर सकती हूँ। अब मेरे को अगर 4th क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑप्शन है फ्लैग क्वेश्चन, ये ऑप्शन है कि आप इस क्वेश्चन को रिव्यू में डाल सकते हैं कि मेरे को लगता है कि 4th का आंसर ए भी है और सी भी है, तो मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूँगी। तो मैं फ्लैग क्वेश्चन पर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैंने फ्लैग क्वेश्चन पर क्लिक किया, आपको उस क्वेश्चन के ऊपर एक रेड कलर का मार्क नज़र आने लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं मूव ऑन कर सकती हूँ और उसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ। ये आपका जो फ्लैग क्वेश्चन है ये नॉट आंसर्ड क्वेश्चन में कंसिडर होगा, मतलब लास्ट में फिनिश करने से पहले आपको जितने भी क्वेश्चन आपने फ्लैग किए हैं उनको अनफ्लैग करना होगा, वरना वो आपके नॉट आंसर्ड क्वेश्चन कंसिडर होंगे। आपके जो आंसर्ड क्वेश्चन है वो आपको हाफ डार्क ग्रे कलर्स में नजर आएंगे। फिर मैं अपना 6th क्वेश्चन और 6th से डायरेक्टली 26th करना चाहती हूँ, तो मैं उस पर क्लिक कर सकती हूँ। अब मेरे को 8th क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उसको फ्लैग भी कर सकती हूँ और लास्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद
मैं फिनिश अटेम्प्ट पर क्लिक करूंगी, जहां पर मेरे पास मेरी समरी ओपन हो जाएगी पूरे क्वेश्चन पेपर की, कि कौन से क्वेश्चन मैंने आंसर किए हैं, कौन से क्वेश्चन अभी मैंने आंसर नहीं किए हैं और उन पर फ्लैग लगाया हुआ है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। तो मैं नीचे रिटर्न टू अटेम्प्ट पर जाकर वापस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हूँ। जैसे फोर्थ क्वेश्चन पे मैंने फ्लैग लगाया था, तो रिमूव फ्लैग करके मैं उसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ। ऐसे ही एट्थ क्वेश्चन में मैंने रिमूव किया फ्लैग और उसको अटेम्प्ट कर दिया। या बाय चांस मेरा कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया है, जैसे 15th, तो मैं इसको भी अटेम्प्ट कर सकती हूँ और लास्ट में फिनिश अटेम्प्ट पर क्लिक करूँगी। अब मैंने जितने क्वेश्चन मुझे आते थे मैंने अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपको सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक करोगे, एक कंफर्मेशन के लिए आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि इसके बाद आप कोई भी आंसर चेंज नहीं कर सकते, तो क्या आप सबमिट करना चाहते हो। तो मैंने इसको क्या करा है, सबमिट ऑल एंड फिनिश पर क्लिक कर दिया। अब मेरे पास आंसर्स अवेलेबल हो गए हैं। क्योंकि ये एक प्रैक्टिस टेस्ट था, तो इसमें आंसर्स भी शो कर रहे हैं। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें आंसर्स नहीं होंगे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये ग्रीन वाले आपकी जो आंसर्स करेक्ट हैं वो हैं, और रेड वाले या तो आपके नॉट आंसर्ड क्वेश्चन है या फिर वो आंसर्स आपके रॉन्ग है। तो नेक्स्ट पेज पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकती हूँ और प्रीवियस पेज पर भी जा सकती हूँ। और अगर सारे क्वेश्चन मैं एक ही पेज पर देखना चाहती हूँ, तो मैं शो ऑल क्वेश्चंस ऑन वन पेज पे क्लिक कर सकती हूँ। इससे सारे मेरे क्वेश्चंस एक पेज पर आ जाएंगे। मैं इनका प्रिंटआउट भी ले सकती हूँ ताकि मैं बाद में रिवीजन कर सकूँ। और लास्ट में मैं क्लिक करूँगी फिनिश रिव्यू पर। यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि मेरे क्विज में मेरे मार्क्स कितने आए हैं, और मैं वापस री अटेम्प्ट भी कर सकती हूँ क्विज को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आ गया होगा। सेम पैटर्न आपको फाइनल ऑनलाइन एग्जाम में मिलेगा। तो फाइनल ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड यूजफुल गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे, जैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कहाँ अप्लाई करना है, फीस कितनी होगी, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने पार्ट्स में होगा। तो ये सब जानने के लिए और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए देखते रहें हमारी वीडियोस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे और आपके अपने चैनल स्किल बुक को। धन्यवाद।